से 7% का रिटर्न आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले काम करना होगा हमको बड़े टाइम फ्रेम पर इस पूरे पावर ग्रिड के चार्ट को देखना पड़ेगा। जैसे कि 2020 से लेकर 2023 तक का अभी तक का जो अप्रैल का सिनारियो है वो पूरी तरीके से बुलिश रहा है। मार्केट ने 2020 के बाद में ब्रेक इवन दिए थे अपने 2019 के लेवल्स को और मार्केट यहाँ से पूरी तरीके से बुलिश रहा है। यानी ऑलमोस्ट मोटा मोटा देखा जाए तो 250 से 260 के आसपास तक ये ऑल टाइम हाई गया है और अभी ट्रेड कर रहा है 231 रुपए पर। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो कि मुझे स्विंग ट्रेड मिले, मुझे रेगुलर ट्रेडिंग नहीं करना है, मुझे करना है यहाँ पर एक छोटा सा स्विंग ट्रेड। एक हफ्ते के लिए मैं ट्रेड लूंगा, मंडे को अपना पोजीशन क्रिएट करूंगा और फ्राइडे के पहले मैं अपने पोजीशन से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। क्या ऐसा संभव है? यस। तो हम लोग अब काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा चार्ट को एनालिसिस करते हैं और करीब करीब 2022 से 2023 तक का पूरा पीरियड हम लोग देखते हैं। ऑलमोस्ट मार्केट देखिए मार्केट कैसा है। मार्केट अभी हाल फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन इस टाइप से बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे और नीचे से अगर आप देखेंगे तो नीचे से भी मार्केट एक पूरी तरीके से नैरो होता जा रहा है यहाँ पर, है ना। यानी मार्केट ने पूरा एक कन्वर्जिंग दे दिया है और कन्वर्जिंग पर यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला है अपने को। ठीक है, अब ये ब्रेकआउट ऑलमोस्ट 232 रुपए के आसपास तक आ रहा है। अगर पावर ग्रिड 232 रुपए के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब हो गया तो फिर मुझे लगता है ये अपने पास जो भी 250 का भी इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है, उसको रीच करने की कोशिश करेगा। क्योंकि नीचे से भी अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो नीचे से भी एक ट्रेंड बुलिश ही जा रहा है। तो ऑलमोस्ट 232 रुपए के लेवल्स हैं, 232 रुपए के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो मुझे लगता है 250 रुपए इसका जो पास हाई रहा है वहां तक जाने की संभावना है। और इतना जल्दी तो मोमेंटम नहीं करेगा क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है एक हफ्ते से लगाकर तो 3 महीने तक का पीरियड आप लोगों को लेकर चलना चाहिए। हाँ, अब ये कोशिश कर सकते हैं कि जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा 232 रुपए के ऊपर तो हमें कोशिश ये रहेगी कि हम लोग यहाँ पर एंट्री लें और जितना भी हमें प्रॉफिट आ रहा है वो लेकर हम लोग बाहर हो सकते हैं एक हफ्ते के अंदर। या तो फिर अगर मार्केट 240 रुपए या 250 रुपए आसपास तक चला जाता है तो ये और ऊपर जाने के साथ